मेरे प्रिय छात्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रिय छात्रों हम एम बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हमने पिछले वीडियो पे लेसन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे चलिए आज हम लेसन सेकंड के जो भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं हम उन्हें आपको बताते हैं तो आप एक नोटबुक ले लें और जो भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं तो उन्हें आप नोटबुक में लिखें और याद करें और उनकी परीक्षा के लिए तैयारी करें जिससे आप इंग्लिश पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं हमारे द्वारा बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर आप उससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है आज का हमारा वाट वाज मिनी डूइंग इन दालकनी कहता है वाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी यानी मिनी बालकनी में क्या कर रही थी सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिनस का है क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो आपको आंसर भी इसका किस में देना पड़ेगा पास्ट में ही देना पड़ेगा वो भी कॉन्टिन्यूवस में क्योंकि जब आपका क्वेश्चन कॉन्टिन्यूबस में पूछा गया तो आंसर भी आप कॉन्टिन्यूस में ही देंगे तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो कह रहा है कि वॉट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी डू मतलब होता है करना यानी मिनी बालकनी में क्या कर रही थी तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे मिनी पहले हमारा सब्जेक्ट है मिनी तो मिनी वाज वाचिंग दिल्ड्रेन प्लेइंग इन दार्क दा आउट आउटसाइड तो फिर समझें कि मिनी वाज वाचिंग दिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड यानी मिनी क्या कर रही थी जो बच्चे पार्क में बाहर खेल रहे थे उन्हें मिनी क्या कर रही थी वॉचिंग कर रही थी वॉच है ना तो वॉच का मतलब देखना तो क्या कर रही थी देख रही थी कौन मिनी तो आप कैसे आंसर लिखेंगे इसका लिखेंगे आप पहले मिनी वाज वॉचिंग दिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड तो प्रश्न आपका पूछा था कि वॉट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी मिनी बालकनी में क्या कर रही थी तो आप इसका आंसर लिखेंगे मिनी वाज वॉचिंग दिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड इसको आप जरूर तैयार करें ये प्रश्न आपका वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये अक्सर पेपर पे आता है तो इसको आप जरूर तैयार करें अगर आप इसको तैयार करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है इसके आप नंबर छूट जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में पूछा जाता है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इसको पूछ रहा है कि वाट वाज मनी डूइंग इन द वालकनी तो आप आंसर कैसे लिखेंगे मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रेन मिनी क्या कर रही थी बच्चों को देख रही थी क्या प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड पार्क में आउटसाइड खेलते हुए बाहर खेलते हुए चलिए हम अगला देखते हैं हमारा अगला है व्हाट डिसबिलिटी डिड मिनी है यहाँ पे एक वर्ड है आपका डिसबिलिटी इसका मतलब होता है अयोग्यता क्या होता है इसका मतलब अयोग्यता होता है यहाँ अयोग्यता से आशय विकलांगता से है यानी कि मिनी में क्या विकलांगता थी मिनी कैसे विकलांग थी इसमें आपको बताना है तो चलिए इसके हम आंसर को देखते हैं तो इसका आंसर क्या है तो हो जाएगा सी बाजा स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ तो फिर चलिए अब इसके हम एक एक शब्द को समझते हैं अच्छे से तो हमारा कहता है कि सी वाजा स्पैस्टिक वो क्या थी पक्षाघात से पीड़ित थी यहाँ पे बर्ड आपका यूज हुआ है स्पेस्टिक इसका, मतलब इसका मतलब होता है पक्षाघात यानी लकवा मार देना विकलांगता यहाँ पे जो बर्ड है आपका स्पेस्टिक इसका मतलब होता है विकलांगता यानी लकवा टाइप का एक बीमारी है जिसपे हमारे हाथ पैर पर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो क्या हो सर सी वाजा स्पास्टिक एंड ड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग फ्रॉम बर्थ यानी उसके हाथ और पैर में कोई कंट्रोल नहीं था कब से बर्थ यानी जन्म से क्यों कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण यानी कि मिनी पच्चा का से पीड़ित थी और उसके जन्म से ही हाथ पैर में कोई कंट्रोल नहीं था एक बार से फिर समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन है कि वह डिसबिलिटी मिनी है मिनी में क्या विकलांगता थी या क्या योग्यता थी तो सीवाज आ स्पेस्टिक यानी वो क्या थी पच्छाघाट से पीड़ित थी एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे भी तैयार कर लें प्रिय छात्रों अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में अच्छा स्कोर करना तो हमारे द्वारा बताए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल चे, के साथ जुड़ें अंत तक जुड़ें क्योंकि हम आपको परीक्षा संबंधी पूरी तैयारी कराएंगे चाहे वो आपके ऐसे हो एप्लीकेशन हो या ग्रामर हो किसी प्रकार के इंग्लिश संबंधी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उसकी पूरी तैयारी कराएंगे आपको हम हंड्रेड पे नाइन्टी नाइन परसेंट अवश्य दिलाएंगे बस आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा और हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और अंत तक बने रहना पड़ेगा और हमारे द्वारा बताए गए सारे प्रश्नों को कापी पर लिख के उन्हें तैयार जरूर करना है तो आप भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज दर्ड फेट यानी आप क्वेश्चन कर रहे कि हाउ वॉच द वर्ल्ड फेट फेड यानी कि चिड़िया को किस तरह से जो पक्षी था उसे किस तरह से खाना खिलाया गया तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं तो दर्ड वॉच फेड सम मिस्ड राइस मिक्स्ड इन मिल्क एंड शुगर विथ एंड इंक फिलर बाय ओपनिंग इट्स बीक चलिए तो ये समझें पहले तो कैसे खिलाया गया खाना तो द बर्ड वाज फेड क्योंकि फीड का है सेट सम यानी मसला हुआ चावल यानी जो चावल पका होता है जब उसे अपने हाथ से मसल देते हैं तो हम है? क्या कहते हैं मेस्ड राइस यानी मसले हुए चावल को हम क्या कहते हैं मेस्ड राइस कहते हैं फिर Mixed, यानि मिलाना इन मिल्क उसे क्या किया गया पहले चावल को मसला गया फिर दूध पे मिलाया गया एंड उसमें क्या की गई शक्कर मिलाई गई शुगर बिथ एंड इंक फिलर एक इंक फिलर की सहायता से और फिर क्या किया गया उसके ओपनिंग यानी ओपन यानी तो होता खोलना बिक यानी चोंच यानी उसके चोंच को तो क्या किया गया खोला गया यानी इसका अर्थ समझें आप तो इसका अर्थ कुछ ऐसा बनेगा आपका कि द बर्ड वाज फेड सम मेस्ड राइस यानी कि जो पक्षी था उसे मेस्ड यानी मसला हुआ चावल दूध में मिला के और उसमें थोड़ा शक्कर मिलाई गई फिर क्या किया इंक इंक फिलर यानी जिससे आप स्याही बढ़ते हैं उसके चम्मच को खो, खोल के उसके मुंह में डाला गया इस तरह से उसे क्या किया गया खाना खिलाया गया अगर आपके आंसर बड़ा लगता है तो आप इसके एक छोटे आंसर को भी याद कर सकते है चलो उसे भी देख लेते तो आपको हो जाएगा द बर्ड बाज फेड विथ इंक पिलर आप ये छोटा भी याद कर सकते हैं और आप ये बड़ा वाला भी याद कर सकते हैं ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में कई बार पूछा गया है तो जो आपको पसंद आए वो आप आंसर याद कर सकते हैं ये बड़ा बड़ा है इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे हालांकि नंबर इसमें मिलेंगे बट ये छोटा है कि द बर्ड बाज फेड विथ इंक पिलर यानी स्याही भरने इंक भरने वाली साहिश उसे खाना खिलाया गया हमारा अगला है वाट वाज द बॉल दैट फॉल इन हर लेप यानी क्या कह रहा है कि वाट वाज द बॉल यानी कि वो गेंद क्या थी दैट फॉल इन हर लेफ जो उसके गोद पिया के गिरी थी तो क्या था इट वज डक ये क्या था एक बतख था इट वाज अ डक अवलर ये बतख था और क्या था सॉबलर था तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट जो भी थे इस पार्ट के अभी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो पे बताएंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें इसी तरह और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद आप इन्हें जरूर क्वेश्चन को तैयार कर लें